हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी विद योगा, देखिए कैसे योग से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्ते, मैं मानसी गुलाट, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, वज्रासन में, सुखासन में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हमेशा सीधा बैठे, आंखों को बंद करें, चिन मुद्रा में। गहरी सांसें लीजिए, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम आ ऊ मा, इन तीन शब्दों को अच्छे से जोड़िए। ओम के उच्चारण से हमारा माइंड और पॉजिटिव रहता है और हमें लाइफ में और क्लैरिटी रहती है। बहुत जल्दी हमारा माइंड भटकता है। मन को कंट्रोल करना है तो ओम का उच्चारण करिए। एक बार मैं आपको और ओम का उच्चारण करना सिखाऊंगी। अपने हाथ को चेस्ट पे रखिए, छाती पे रखिए। पहले आ, फिर ऊ बोलेंगे, फिर माँ बोलेंगे, फिर तीनों को हम अच्छे से कंबाइन करेंगे। इनहेल, ऊ का उच्चारण करेंगे, ये वाइब्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। तो कंबाइन करिए मेरे साथ इसको, इनहेल, ओम, स्वस्थ रहने के लिए 5 योगासन आज हम करेंगे और हमेशा निरोग रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे महाक्रिया। महाक्रिया को करने से जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है वो पूरी तरह कंट्रोल हो जाती है। किस तरह से करना है, इंटरलॉक योर हैंड, क्लोज अपने नेवल के पास में रखिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे से बॉडी को आगे लेके आइए, एक्सहेल फोर्सफुली। कीप योर फोरहेड डाउन, महाक्रिया। खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को करिए, आप लोगों का कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। तो चलिए एक बार और करेंगे इस क्रिया को। हाथ को इस तरह से रखिए, जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सपैंड योर बॉडी, बॉडी को फुलाइए। जब एक्सहेल करते हैं, बॉडी को सिकोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट करिए। देखिए किस तरह से करना है, सांस लीजिए पहले, सांस छोड़िए, सांस लेंगे पहले अपने पेट से, लंग्स, छाती से, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे से बॉडी को आगे लेके आइए, एक्सहेल फोर्सफुली। रिलैक्स,
रिलीज। महाक्रिया के बाद आज मैं आपको शीर्षासन हेड स्टैंड करना सिखाऊंगी, और अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हेड स्टैंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगी, उनको वही करना है। सबसे पहले इस तरह से इंटरलॉक करिए अपने हैंड को, रिलैक्स, रिलीज। एक बार और करेंगे, तो जिनको नहीं होता, जो नहीं कर सकते वो इस तरह से करेंगे, और जो लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ करेंगे। फिर से इसी आसन को करेंगे एंड रिलीज। तो इस तरह से हमें हेड स्टैंड का अभ्यास करना है। जो लोग नहीं कर पाए इट इज ओके। इसके बाद जब भी आप हेड स्टैंड करते हैं या कोई इंटेंस आसन करते हैं उसके बाद बालासन का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बालासन करते हैं। साथियों, हर आसन को 3 बार ज़रूर करें, तभी आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 हफ्ते के लिए करिए, स्वस्थ रहिए, उसके बाद भी रोज़ करिए योग। चलिए अब हम करेंगे पूर्ण तितली आसन। इस तरह से अपने फीट को रखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करेंगे, इससे ब्लड संचार बढ़ता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। एंड रिलीज। एक बार और करेंगे। चलिए अभी बहुत सिंपल सा कटी चलना क्रिया करेंगे। हाथ को सीधा रखिए, रिवर्स 5 बार, रिवर्स 5 बार, रिवर्स 5 बार, रिलीज। लास्ट आसन करेंगे, हमारा पूरा बॉडी का अच्छा वर्कआउट आज हो गया है। ये आसन बहुत अच्छा होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन को इन्हांस करने के लिए। अपने हाथ को, अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखिए, प्रेस करिए। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है वो पूरी तरह दूर हो जाती है। स्वाइप करेंगे धीरे से, रिवर्स, रिलैक्स।
तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने विचार सुझाव हमसे ज़रूर शेयर करें। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।